भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब चारधाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रेवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय चारधाम यात्रा पर लोग जा सकते हैं, पर्वती मार्ग पर यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पर भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रेवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है उसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं, इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है पर इसमें रिस्क लेना बहुत दुश्मन अपने जान को जोखिम बराबर होता है। पर अगर नाले को देखते भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाली डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का काम होने का इंतजार करें जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए SDRF की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। SDRF की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक, ये बताया गया है। जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या CDO से भी अभी बात हुई वहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफ़ी वो किया है, बोला है, तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहें और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते अपना सेफ जगह पर गए तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जल भराव वगैरह जो स्थिति है काफ़ी गंभीर अभी है, तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।